हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने उन्नाव रेप कांड के आरोपी भाजपा विधायक को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। उन्नाव रेप कांड को लेकर युवा कांग्रेस ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार व यूपी प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने उन्नाव रेप कांड के आरोपी भाजपा विधायक को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। उन्नाव रेप कांड को लेकर युवा कांग्रेस ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में मुनीष ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार देश भर में तानाशाही तरीके से सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि एक बच्ची के साथ विधायक रेप करता है और फिर उसी परिवार के लोगों पर कई प्रकार से हमले किए जाते हैं, वहीं गवाहों को भी सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा जाता है। मुनीष के अनुसार इस सारे प्रकरण से यही बात साबित होती है कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार आज भी खतरे के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है और आरोपी विधायक जेल में आराम से रह रहा है। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की न्यायिक व्यवस्था से इस मामले के आरोपी भाजपा विधायक को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जगदेव कागा, सदर के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर, महासचिव निशांत ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता विजय चौहान, दिनेश चोपड़ा, सचिव दीपक खुराना, हेमंत शर्मा, मनिंदर कटोच, कुंगा बौद्ध और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मनीष ठाकुर, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की और उसके बाद हमने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके अवसर पर जाकर उसका जो मुख्य मुद्दा था, जिस तरह से उन्नाव के अंदर जो घटना हुई थी पिछले काफ़ी समय पहले, एक वहाँ की युवती के साथ वहाँ के स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सहगल ने जो बलात्कार का मामला सामने आया और वो जो स्थानीय जो विधायक है वहाँ के इस समय जेल में है। लेकिन आज जिस तरह के हालात कानून व्यवस्था के वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हैं और योगी जो सरकार है बिल्कुल मौन है और उसके ऊपर कुछ नहीं कह रही है और वहाँ जो उस पीड़ित के जो केस के जो साक्ष्य हैं उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अभी दो दिन पहले ही वहाँ पर हमला हुआ, जो गुहार थे मुख्य रूप से ठीक है, वहाँ पर उसकी चाची है, उसकी मामी है और वो जो पीड़ित है स्वयं इस केस के सिलसिले में जा रही है, उनके ऊपर एक अज्ञात ट्रक में सुनियोजित तरीके से जिस ट्रक के अंदर ब्लैक प्लेट लगी हुई थी और उसका नंबर भी नहीं था और उनके ऊपर चढ़ा कर उनको मारने की कोशिश की जा रही है। इस ये साफ दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो महिला विरोधी हैं और वो इस तरह के कृत्य में हमेशा पाए गए हैं। पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ भी महिलाओं के साथ अपमानित होने वाली घटनाएँ हो रही हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के या तो वर्तमान के विधायक या पूर्व के मंत्री है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो समेत पाए जा रहे हैं सरेआम तौर पर, लेकिन इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी कड़ी में आज उस युवती की आवाज़ को लेकर आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर पहल की और पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की आवाज़ चल के लिए हमारी मांग है इनके साथ इस तरह की कोई तरीके ना हो, तो उसको लेकर आज हमने आवाज़ उठाई है। और ये बड़े शर्म की बात है, आज उस बेटी को मारने की कोशिश की, उस बेटी को मारने की कोशिश की, संविधान को मार दिया गया। संविधान ने जो न्यायिक व्यवस्था के तहत हमें अधिकार दिए उन अधिकारों की उन जो व्यवस्था है उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और इस तरह का जो कृत्य हो रहा है, मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के युवाओं से आप आए और पूरी प्रदेश की आम जनता से आप आए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस तरह का कृत्य वो आपके घर वालों के साथ, हमारी माता बहनों के साथ, इसलिए आज हमने आवाज़ यहाँ से उठाई।